सीएम योगी बोले, अत्याधुनिक संसाधनों से लैस हो एसटीएफ व एटीएस, दो नई फील्ड इकाई बनाने का भी प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंतरिक सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ व आतंकवाद निरोधक दस्ता के साथ ही इंटेलिजेंस को और अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किए जाने का निर्देश दिया है। योगी ने मंगलवार को अपनी सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर डीजीपी डॉक्टर आर के विश्वकर्मा व प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कई बिंदुओं पर विमर्श किया। एटीएस एसटीएफ व इंटेलिजेंस के अधिकारियों से नए प्रस्ताव भी मांगे गए हैं, जिससे उनके आधुनिकीकरण की गति को बढ़ाया जा सके। एसटीएफ की दो नई फील्ड इकाई के गठन का भी प्रस्ताव है, हालांकि अभी उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वर्तमान में लखनऊ में एसटीएफ मुख्यालय के अलावा गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, बरेली, आगरा, मेरठ व नोएडा में फील्ड इकाई है। तीनों शाखाओं में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। नए निर्माण कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर बजट पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इन इकाइयों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने का निर्देश भी दिया। माना जा रहा है कि एटीएस व एसटीएफ को और अत्याधुनिक शस्त्र सर्विलांस डेटा एनालिसिस व फॉरेंसिक जाँच से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश, एडीजी एटीएस नवीन अरोरा, एडीजी इंटेलिजेंस भगवान स्वरूप व कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।